सम्मुख कड़ा सा मेरा हो, मुरली का सुर भरा हो, सम्मुख सावरा खड़ा हो, मुरली का सुर भरा हो, सम्मुख सावरा खड़ा हो, मुरली का सुर भरा हो, मुरली का सुर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, कर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। हर आदमी धन दौलत मांगता है, हाँ जी ध्यान दें, काय के बाज आ रही है, काय के बाज आ रही है, सुनाई पड़ रही है ना, तेरा माइक चला रहे देखी जरा, आ रही है ना, इन कान ने फूलों को समझ को चिंता मत करो, पूरी गोविंद भगवान की ध्यान देना जी, आवाज आ रही है और आवाज फूट रही है। आज भीष्म पिता को जिनके लिए इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जिन्हें चाहे जब चाहे जैसे चाहे अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं, मगर वो भी एक बाणों की सैया पे पड़े, किसके इंतजार में, किसके इंतजार में मेहनत कर रहे हैं, रात देख रहे न दिन देख रहे, बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हो बताइए आप। उन्होंने भीष्म पिता ने कष्ट झेले जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, किसके लिए, और तुम रात और दिन झूठ बोल रहे हो, एक दूसरे का हिस्सा खा रहे हो, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, किसके लिए, कहां जी बताइए, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसके लिए तुमने आज तक कभी जाड़े में, ये ठंड पड़ रही है ना तो मौत हो लिया, पर नहीं नहीं, भीष्म पितामह को देखो, जिनके शरीर में बाण चुभे हुए हों, सैया यानी तकिया लगाए बाणों को, तीर से रक्त बहरा हो और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, तो क्या वो इतना कष्ट झेल सकता है। आदमी जिंदगी भर कमाता, जिंदगी भर निकल जाती, बुढ़ापा आ जाता है, किसके लिए, परमात्मा के लिए, 10-20 हजार 2-4 लाख रुपए भगवान के नाम पे साल में खर्च नहीं कर सकता, ये दावा दे रहा हूं मैं, बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत जिगर चाहिए उस परमात्मा के लिए खर्च करने के लिए। ध्यान से सुनना दादा, चप्पल उतार के आओ ठाकुर जी के दरबार में तो अच्छे लगोगे, ध्यान देना, इस जिंदगी में कुछ जाएगा तुम्हारे साथ में तो ये मकान अट्टा अटारी नहीं जाता है, ध्यान देना, यदि तुम्हें मेरे गोविंद से थोड़ा भी प्रेम है ना, थोड़ा सा भी प्रेम है, तो तुम अपने नाम पर अपने काम के लिए बाद में जाइए, पहले मेरे गोविंद का नाम लेके देखो तो सही ना, जीवन में आनंद आता है। आज वही राजा परीक्षित है, ध्यान देना, उन्हीं का जो बेटा है विष्णु राज, जिन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी है, उनके घर में ऐसा ही पुत्र हो सकता है, क्योंकि जब तक तुम कष्ट नहीं करोगे तब तक भगवान तुम्हें कुछ नहीं देगा, परमात्मा कुछ नहीं देगा जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तो रोने से या किसी के साथ मरने से कभी किसी का उद्धार नहीं होता है, क्योंकि
कि आवे तो असगुन होई, कि आवे तो असगुन होई, जावे तो असगुन होई, अरे नर बावरे तेरी मुक्ति कहां से हो। आता है तो खुद रोता है, आता है खुद रोता है। ईगो कम करना भाई, थोड़ी सी ध्यान देना। आता है तो खुद रोता है, अंगे अंगे अंगे, और जाता है तो परिवार रोता है, परिवार रोता है। ये 101 रुपए प्रीति शर्मा हमारे जो नितिन हैं, इनकी बहन जी हैं प्रीति शर्मा, ये 101 रुपए भगवान के चरणों में दान दे रही है। कहती कि नाम लेते हैं, कहती कि परमात्मा उनकी पुकार सुनता है तो उनका जरूर उद्धार होगा, बंसी वाले से यही कहना है। आदमी अपने नाम के लिए दुनिया बढ़ाती है, मगर दुनिया से चला जाता है उसका भी नाम रखने के लिए लोग क्या क्या करते हैं पता है ना। कोई तस्वीर बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई प्रतिमा बनाता है, कोई मंदिर बनाता है। आज वही 500 रुपए जो बच्चा दुनिया में नहीं है, उनके बाप ने माता जी ने मिलकर के 500 रुपए की अरदास कथा भी कराई थी। अभी उन्होंने भागवत बहुत विशाल प्रोग्राम कराया था और ये 501 रुपया भगवान के चरणों में भेजा है उन्होंने। मैं कह रहा हूँ हे गोविंद हे कन्हैया, जैसे तूने उनकी झोली को खाली किया है इसी तरीका से उनकी झोली भर जाए। जय जयकार, यही प्रार्थना है मेरी रात। हाँ नाम नहीं लेता हूँ, ध्यान देना कि इतना ही कहना है गोविंद से। मेरी यही प्रार्थना है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मैं यही कहता हूँ कि गोविंद जितने भी तेरे भक्त हैं जो इस राधे राधे मित्र मंडल से जुड़ रहे हैं ना, उनके घर में कभी किसी का दुख ना होना चाहिए, खुशहाली रहनी चाहिए। मेरा यही प्रार्थना सभी के लिए मांगता हूँ, ये गोविंद की कृपा है कि ना मैं इनको जानता हूँ ना वो मुझे जानते थे। आज ये कान्हा की कृपा है कि जो आज एक दूसरे का ऐसा संबंध हो जाता है कि जो निजी है ना वो भी भूल जाते हैं। हम औरों के चक्कर में अपना परिवार भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, भूल चुके हैं। इतना ही नहीं, आप ये लोग कहेंगे महाराज ऐसी बात कर रहे हैं कि सन 2015 में 21 जून को मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, तो मेरी कथा चल रही थी अलीगढ़ में। शाम को खबर आई ऐसे बात, घर गए दाग बाग लगवा के दूसरे दिन कथा करी, उधर चिता जल रही थी, गद्दी पे बैठ के कथा करी थी। क्यों? मेरी करनी मेरे साथ में, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ में। हम औरों को उपदेश दे दें कि ये बेटा तुम्हारा नहीं है, ये बाप तुम्हारा नहीं है, ये माँ तुम्हारी नहीं है, तो वो मेरी भी तो है ना। 9 महीने का मेरा भतीजा एक्सपायर हुआ था, हरियाणा में कथा चल रही थी, कथा से नहीं आया। 7 दिन की कथा करके भंडारा करके जब पहुंचा था, मैंने उस बच्चे को जीते जी मर गया मैंने गोद नहीं लिया। क्योंकि क्या है, क्या ये सब झूठा संसार है, ये जगत मुसाफिर खाना है, तुझे जाना है, तुझे छोड़ के एक ने एक दिन संसार तुझको भी जाना है, तुझको नहीं जाना है, इस शरीर को जाना है, और इस शरीर से कभी लगाव नहीं करना चाहिए। तो बताया है परदेशियों से अखियां ना मिलाना, परदेशियों को एक दिन तो जाना है, एक ने एक दिन सबको जाना है, छोड़ करके जाना ही है। तो आइए भीष्म पितामह, उन्हीं के बेटा नाथ पर नाती, नाती के भी नाती, यानी भीष्म पितामह के पर नाती जिनका नाम है परीक्षित। क्या नाम है? ऐसा क्यों किया? उन्होंने किसी का माल नहीं मारा था, उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था, और जो गुरु का अपमान करता है उसे जीवन में कभी खुशहाली नहीं मिलती है, ये गारंटी। अब आप कहेंगे इतने बड़े बड़े गुरु हैं, ये भी तो गुरु हैं जो पकड़े जा रहे हैं, ये गुरु नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार हैं। किसी भागवत में किसी गीता में ये नहीं लिखाया है कि तुम इंसान की पूजा करो, तुम इंसान को गॉड बनाओगे तो वो जेल जरूर जाएगा, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि मेरा गोविंद कहता है कि मैंने जब जन्म लिया तो पहले कहाँ आया था मैं?
कन्हैया ने जो जन्म लिया था कहाँ आया था वो? सात तारों के भीतर जेल में पैदा हुआ था। यदि तुम लोग गॉड बनोगे तो तुम्हें को जेल में आना पड़ेगा, और गॉड नहीं बनोगे तो आराम से मेरा नाम लो और जनता को यानी कि आनंद का आभास करवाइए। आनंद तो नहीं दे सकते, आनंद का महसूस आवाज थोड़ा सा एहसास हो सकता है। तो मेरी माताओं सभी से मेरा यही कहना है कि प्रभु से लगन लगाइए। जितना तुम श्याम से लगन लगाओगे ये गारंटी की बात है। नरसी का भात किसने भरा था? आसाराम ने या रामपाल ने? बताइए तुम लोग। ये भी राम है, राम रहीम भी राम है, जिनके पास में खरबों की संपत्ति है, क्या ये अपनी जेब भर के लेके छाती में लेके जाएंगे? कभी इन्होंने गरीबों की मदद करी? पर लोग भागवत में लिखा है जिसके पास में पैसा होगा अच्छी चमक होगी उसी को लोग भगवान मानेंगे, उसी की मानता करेंगे, उसी की पूजा करेंगे। ये गारंटी है। गरीब अच्छा विद्वान है, अच्छी बात कह रहा है, चल चल चुप रह, और पैसे वाला जो उल्टी बात कह रहा है फिर भी लोग खुश हो रहे हैं। पहचानो, तुम नहीं पहचानोगे जीवन बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार एक राजा ने अपना पुराना किला खुदवाया था, पुराना, और उस किले में एक हीरा निकला था। क्या निकला था? जोर से बोली, क्या निकला था? हीरा। जब हीरा निकला तो बड़े बड़े जौहरी बुलाए, उन्होंने दिखवाया, बोले देखो इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कॉस्ट है। ध्यान देना जी, इसकी कीमत क्या है? भैया जी आप निकल गए ना तो चप्पल हाथ में ले लेंगे। हाँ, ये ठाकुर जी का दरबार है। हाँ, आप इधर से निकल के जाए तो चप्पल हाथ में ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कांटे नहीं पड़े हैं, सफाई है। कभी आप मस्जिद के पास गए, कभी मस्जिद में फिर पहनेंगे आप, यहाँ पे उतारेंगे, ध्यान देना जी। कभी देखना मस्जिद में जाना, बाहर देखना, कितने भी जितने भी जाते नमाज पढ़ने के लिए चप्पल बाहर होती है सबकी, मगर देखो आज मुझे शर्म की बात तो ये लगती है वाकई में कि हमारा ये हिंदू कहता मैं हिंदू हूँ, मैं इंडियन हूँ। क्या है इंडियन, क्या हिंदुस्तानी तू? मैंने किसी को भी, किसी जाति को मैंने अपने धर्म की मजाक उड़ाते हुए नहीं देखा जितना हिंदुओं में होता है। कभी हनुमान जी के ऊपर, कभी दुर्गे जी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। कभी तुमने मुस्लिम भाई को देखा है क्या अपने मजाक का, अपने उसके धर्म के मजाक उड़ा रहे? ऐसे देखे कि मैंने लोग व्हाट्सएप पे लाइक करते और मैसेज भेजते लिख लिख कर, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम अपने धर्म की नहीं, तुम अपने माँ बापों की यानी मजाक उड़ा रहे हो। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है तुम उनको दुख दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए। हम हिंदू हैं पर क्या बताएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, कोई अलग नहीं है, अलहदा नहीं है कोई भी, पर अलहदा तो बनी बैठे। राजा परीक्षित अपने बेटा जन्मे जय को राजा युवराज बना दिया और गंगा के किनारे पहुंच गए। क्यों जाओगे? तुमको भी जाना है एक ना एक दिन गंगा के किनारे जाओगे, भटकोगे, ना तो तुम्हें भजन मिलेगा और ना तुम्हें भक्ति मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ना रहा ले, जीवन मेहनत करी, स्ट्रांग बॉडी थी तो रात दिन मेहनत करी, और जब बॉडी डाउन हो गई, ओल्ड हो गई, तो आप राम का नाम लेने जा रहे हैं? जब तुम्हें देखो ये शरीर है, जब तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है, नीचे पानी रखा है और कह रहे रामू नौकर है, ए रामू पानी लाना। जब रामू आएगा पानी लाएगा, किस काम की ये बॉडी है? कौन जी
इस मानव की बॉडी को तो कुत्ता भी नहीं खाते, पशु की तो बात छोड़िए, डॉगी नहीं खाते इसको, सूंघ करके घट जाते हैं मरने के बाद। इसमें घमंड करते, माई स्ट्रॉन्ग बॉडी, मैं बहुत कीमती हूं। क्यों? अरे जीवन में आया है, ये रंग से नहीं होता है, रंग साफ होने से कुछ नहीं होगा। चलो तो जाएगा यहां से, ओए ध्यान देना, आज यदि तुमने इस